हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। माता रानी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। और जय माता दी। सो प्लीज गाइस, कमेंट में जय माता दी तो लिख ही देना। आप लोग बोलते होंगे जानबूझ के कमेंट करवाने के लिए चक्कर में एक कमेंट में जय माता दी बोलती रहती है, कमेंट में जय माता दी लिख दिया करो। सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग की मर्जी है। आप लोग को जय माता दी लिखना है नहीं लिखना है वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। सो जय माता दी मैं बोल रही हूँ, माता रानी की कृपा से मेरे सभी काम हो रहा है और माता रानी की कृपा से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। सो आप लोग को लगता होगा कि मैं बोल रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। और तो आप लोग से मैं बता रही हूँ कि आप लोग को जय माता दी बोलना है बोल सकते हैं, नहीं बोलना है नहीं बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइज, आप लोग कैसे हैं। माता रानी के पास में बहुत ही अच्छे होंगे। माता रानी की बैल विशेष आप लोग के साथ हैं। सो उनकी बैल विशेष मेरे भी साथ रहे हैं। ये मैं प्रेयर करती हूँ और आप लोग के लिए भी प्रेयर करती हूँ। सो गाइज, आज का वीडियो कुछ स्पेशल है अगर आप लोग को लगे तो, बट मेरे लिए स्पेशल है। मैं आप लोग को बता रही हूँ तो बहुत स्पेशल है। और आज कुछ ज़्यादा नहीं, आप लोग को अच्छा लगे नहीं लगे, बट मैं आज अपने एक कमरे की डेकोरेटिंग आप लोग को रूम टूर करवा रही हूँ। कि मेरा ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है बट मेरे लिए बहुत ही प्यारा है और मेरे लिए सपनों की नगरी से भी बढ़कर है। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये टैडी देख रहे हैं आप, और आप लोग को दिख रहा हो ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है और ये शादी के पहले बनाया था। तो आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है, और अगर आप लोग को पसंद आएगा तो मैं इसको दोबारा से, मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा सा टैडी बना के दिखा सकती हूँ मैं आप लोग को। अगर पसंद है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी कि मैंने क्या क्या लगाया इसमें। और गाइज, वो डोली आपको दिख रही है बगल में, वो भी मैंने ही बनाई थी तो मैंने आपको बताई थी। और ये जैसे पीछे देखो छोटी सी डॉल है, मुझे डॉल्स का बहुत शौक है, बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं आपको बता रही हूँ, ये देखो ये है एक कछुआ है। तो ये इससे घर में तरक्की और पैसा आता है तो मैंने इसको रखा हुआ है। और ये मेरी फ़ोटो लगी हुई है, ये हिरन है। सो और गाइज, ये डोली भी देखो, इसकी मेरी फ़ोटो ख़राब हो गई है क्योंकि 6 साल शादी को हो गए हैं, सो ख़राब हो गई है। ये मैंने डोली खुद ही बनाई थी, आप देख सकते हैं इसमें देखो डोली। मैंने वो डोली नहीं बनाई थी पहले, इसने मैंने आपको बताया था कि मैंने वो वाली डोली नहीं बनाई थी, इसलिए ये डोली बनाई थी मैंने डिब्बे से। तो आप देख सकते हैं इसमें भगवान की फ़ोटो, कार, सब बाकी सब कुछ। और ऊपर का ये निकल चुका है, जो कांच वाच लगा था निकल चुका है, वो देख रहे हैं आप। वो मेरी मम्मी है, बैक वाली मम्मी, मेरे पापा और मैं हूँ 2 महीने की। तो वो फ़ोटो भी हमेशा अपने पास ही रखते हैं। और ये बोतल देख रहे हैं, इसमें क्रिस्टल डले हुए हैं और कहते हैं क्रिस्टल डाल के पानी में रखो और उसमें मनी प्लांट लगाओ तो घर में सौभाग्य आता है। सो मैं एक करती हूँ। और इसके बाद आप देख रहे हैं ये बुद्धा जी हैं, कहते हैं बुद्धा जी घर में बहुत ही अच्छे होते हैं और शांति का प्रतीक रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और शांति रहती है घर में। और मतलब कि घर में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आती है बुद्ध रखने से। सो मैं रखे हुए हैं, स्पेशल रखती हूँ। और ऐसा नहीं मैं वास्तुशास्त्र को बहुत मानती हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ तो एक हद तक मैं मानती हूँ। और ये डॉल्फिन है, तो मैं ये घर से उठा लाई थी अपनी ये तो ये डॉल्फिन कहते हैं। देखो इसमें एक छोटा सा बॉल लगा हुआ है जो चमक रहा है, इसमें डॉल है, डॉल्फिन है अंदर। तो ये भी मैं रखती हूँ, डॉल्फिन बहुत ही अच्छी होती है घर में। और कहते हैं जैसे एक्वेरियम रखते हैं तो उसमें मछली फिशेस रहती हैं, सो इस टाइप से ये भी रहता है कि बहुत अच्छा रहता है। डॉल्फिन रखना घर में बहुत ही अच्छा होता है, डॉल्फिन से भी पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर में लक्ष्मी जी आती हैं कहते हैं। और ये देखिए कान्हा जी, मक्खन खाते हुए कान्हा जी, रखने से सब कुछ अच्छा होता है। और ये अम्ब्रेला डॉल मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, मैं जब एग्ज़ाम बहुत पहले की है, कम से कम 12 15
15 साल पहले की है, मैंने ख़रीदी थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, सो मैंने रखी थी, मैंने ली थी। तो आप देख सकते हैं, और वो उधर देख सकते हैं डॉल की गर्दन झुक गई है, वो भी मैंने अपने हाथों से बनाई थी सुतली से, तो अभी गर्दन झुक गई है उसकी, क्योंकि ना कैप उसकी भारी हो गई थी उस टाइम पे, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, मैंने उस पर कैप बना दी थी, एक ढक्कन लेके कहीं कुछ कहीं कुछ। मतलब कि मैं बताऊँ कि अगर आप लोग को अभी ऐसी मैं अच्छी लग रही, मैं बहुत ही प्यारी डॉल बनाई थी मैंने, मतलब कि सब भी तारीफ़ कर रहे थे, इतनी तारीफ़ बहुत ज़्यादा। सो ये पॉट है मेरा, देख सकते हैं आप, और उसके बाद से ये मेरा टैडी, मुझे टैडियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, सो मैं रखी हूँ। और यहाँ पे मेरी बैंगल बॉक्स रखे हुए हैं ड्रेसिंग पे, और ये देखो बॉल्स, ये कहते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं घर में रखने से। सो अपने रूम में, मैं आई मीन रूम में स्पेस कम है, जगह कम है, तो मैंने इस टाइप से ऐसे रख लिए। और छोटे छोटे रेबिट देख सकते हैं आप, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ए तितलियाँ, और टैडी रखने से मतलब कि अच्छा फील होता है, जब भी मतलब गुस्सा आए या कुछ हो तो टैडी ले लो और खुश हो जाओ, है ना। और ये तितलियाँ देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आई मीन बहुत ही अच्छा, मन को बहुत सुकून मिलता है। सो ये मेरी शादी की फ़ोटो है, और ये बुकेज मैंने आपको बताया था कि मैंने खुद बनाए थे, ये टूट गया है, एक्चुअल में कांच के अंदर था तो टूट गया, और बाकी मैंने एक और सेरेमिक पाउडर का अब वो बनाया था, पॉट बनाया था बहुत बड़ा, तो वो भी मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया शादी को, तो वो टूट गया है। और एक मतलब कि कमर में मटकी रखे हुए एक लेडीज भी बनाई थी, तो वो भी टूट गई। आपको देखो वो कि कैसा लग रहा है। और भारत, भारत से कई चीज़ें होती हैं, अच्छी भी होती, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, और साथ में ये होता है कि कहते हैं ना, आप लोग को मानो नहीं मानो छिपकलियाँ नहीं आती हैं, तो इस टाइप से। और देखो बटरफ्लाई, देखिए यहाँ पे भी मैंने लगा के रखी है। मेरा रूम पुराना है, बाकी जब वो हो जाएगा, नीचे का तैयार हो जाएगा, तो मैं नीचे रहने लग जाऊँगी, तो वहाँ पे सब कुछ नया नया है। अभी मैं ऊपर के रूम में रह रही हूँ, तो ऊपर का घर बहुत ज़्यादा पुराना है, आई मीन कम से कम 70-80 साल पुराना घर है, तो माइंड मत करना प्लीज गाइज आप लोग। सो और देखिए इधर भी बटरफ्लाई है, मैंने देखो ए टीवी चल रही है, आप लोग को दिखा रही हूँ मैं, ऊपर साउंड रखा हुआ है। और ये मदर टेरेसा है, मैं ये नहीं मानती हूँ कि किसको मानो किसको नहीं मानो, पर मैं मानती हूँ ये बहुत अच्छी वाइब्रेशन देती, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है, इनका पोस्टर इसलिए मैंने लगाया है सामने, और मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज बस ये है, और ये आपको लॉफिंग बुद्धा दिख रहा होगा, एक देखो इधर भी रखा है लॉफिंग बुद्धा, आपको दिख रहा है। तो लॉफिंग बुद्धा रखने से भी मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता है घर में, और पॉजिटिव एनर्जी आती है, सौभाग्य का प्रतीक होता है, कई चीज़ें बोली जाती हैं लॉफिंग बुद्धा से। सो देखिए, और घर में वृद्धि होती है, सौभाग्य होता है, लक्ष्मी जी आती हैं, कई चीज़ें होती हैं, और मेन चीज़ लड़ाई झगड़ा, आई मीन पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। सो गाइज बस आज का देख लीजिए, इधर भी फर्नीचर सेट है, और इधर भी देखो मैं बप्पा जी ही रखे हुए हैं टेडी बेयर वाले, और उसमें भी भारत लगा के रखी है, मुझे अच्छा लगता है। और इधर देखो ये बतख रखी हुई है, बट ये वो नहीं कहता है जिसमें एयर भर दो तो फूल जाती है, और एयर निकल जाए तो अपने आप मतलब कि अपने आप ही पिचक जाती है, तो क्या, तो उस टाइप का ये भी है। सो गाइज बस मेरे रूम में अभी इतनी डेकोरेटिंग है, और किसी को घर में भरना अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है,
और ये गणेश जी की मूर्ति मुझे मेरी दीदी ने दी थी, तो जब से मैं शादी से ऐसे ही लगा के रखी हूँ। और ये पोस्टर, कहते हैं पहाड़ी का पोस्टर पीछे लगाओ तो मतलब कि अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा था, बहुत मुश्किल से मिला था मुझे इस का पोस्टर, बट मैंने ढूंढ लिया था, मैंने लगा लिया था, लेकिन बहुत मुश्किल से मिला था। इस टाइप का पोस्टर लगाने से बहुत ही अच्छा होता है, मैंने सुना है, जिस टैरो कार्ड रीडर को मैं मानती हूँ, और कई चीज़ें अच्छी होती हैं जिसको मानना माना, नहीं मान सकता नहीं, मैं किसी पे फोर्स नहीं कर रही हूँ। और देखो मेरी ये मैं शादी के पहले ही से लेके रखी थी, तो शादी के बाद यहाँ लेके आई थी, सो देख सकते हैं आप। और ये राधा कृष्ण की मूर्ति घर में लगाओ तो, कहते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा नहीं होता है, पीछे लगाओ तो जस्ट बैठ के ऊपर लगाओ तो। तो ये मैं मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी, तो मैं जब से ऐसे लगा के रखी हूँ। और इसके ऊपर भी देखो भारत लगा के रखी है, इस टाइप से देख सकते हैं आप। हैंगर लगा हुआ है तो मैं कंगन टांग देती हूँ कभी भी आती हूँ तो। सो गाइज, और ये मेरी ननद की फ़ोटो है, ये मेरी ननद है, आज मैंने एक जन से मिलवा दिया, किसी को बहुत रिक्वेस्ट थी कि अरे मिलाओ 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 करके, तो मिला दिया। बस ये डिब्बे रखे हुए हैं और कुछ खास नहीं। आज की वीडियो में आप लोग को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करना, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट फॉर यू। आज के लिए बस इतना, एक वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, सो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। और 10 बज चुके हैं अभी के, सो गाइज आप लोग को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय, गुड नाइट, टेक केयर और जय माता दी।